You're watching Shobane Mukti channel. तृतीय स्कंद में कपिल देव भगवान की कथा हमने श्रवण किया। अभी चतुर्थ स्कंद में विदुर जी पूछ रहे हैं उनकी स्वयंभुव मनु के जो तीन कन्याओं के वंश के बारे में। अब बताइए, मैत्रेय जी कह रहे हैं प्रथम पुत्री जो आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, उनका पुत्र हुए यज्ञ भगवान, और जो छोटी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, उनका 16 कन्या हुए, 13 को धर्म के साथ विवाह कराया, 1 को स्वधा को अग्नि के साथ, 1 स्वाहा को अग्नि के साथ, स्वधा को पितरों के साथ, और महादेव भोले बाबा को एक सबसे छोटी कन्या सती नाम की कन्या को विवाह दिया। और कहते हैं जो अनुसया नाम का कन्या, देवहूति माता का जो अनुसया नाम का कन्या को अत्रि महर्षि ने विवाह किया, उनका कोई संतान नहीं था। उन्होंने घोर तपस्या किया, 100 वर्ष तक एक पैर में खड़े होकर वायु आहार करके तपस्या किया और भगवान को प्रार्थना किया, हे जगदीश्वर आप कृपा करें। तो ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों दर्शन दिया, प्रकट हो गए। बोले आप तीनों कैसे प्रकट हुए, मेरा कितना सौभाग्य है, मैं तो केवल जगदीश्वर को सुरेश्वर का ही स्तुति किया था। बोले हम तीनों जगदीश्वर हैं, क्या चाहते हो। न पुत्र कामना से मैंने तप में प्रवृत्त हुआ था, तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय भगवान और शिव जी के अंश से दुर्वासा मुनि का प्रादुर्भाव हुआ, और जो धर्म का पत्नी जो 13 पुत्रियों का विवाह किया था, दक्ष प्रजापति का 13 पुत्री को धर्म के साथ विवाह कराया था, मूर्ति नाम की पत्नी से नर नारायण भगवान अवतार लिए। नर नारायण भगवान बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं अभी भी। जो कोई कहते हैं जो नर नारायण भगवान का दर्शन के लिए जाता है, उनका तपस्या का एक छोटा अंश उनको प्राप्त होता है। भगवान ने सोचा कलयुग के जीव तपस्या नहीं कर पाएंगे, करुणा करके उनको कृपा करते हैं। और एक बार इंद्र को भय हो गया, ये 2 ऋषि कुमार मेरा इंद्रपद छीन लेंगे, तो अप्सराओं को सब भेजा, कामदेव को अप्सराओं को भेजा, लेकिन भगवान तो मायापति है, उनको कौन मोहित कर सकता। फिर नाचते नाचते थक गई अप्सराएं, फिर नर नारायण भगवान बोले अभी हमारा थोड़ा सृष्टि देखो, और अपने जंघा को ऐसा ठोका, तमाम अप्सराएं प्रकट हो गई, ऐसा नृत्य किया, तो उन्होंने वो इंद्र के भेजा हुआ अप्सराएं ने देखा इनका नाखून के पेड़ के नाखून के बराबर भी हमारा सौंदर्य नहीं है। तो इस प्रकार नर नारायण भगवान बोले ठीक है, अच्छा किया आपने आया, और यहाँ आओ भोजन करो, भोजन करो, शांति में विश्राम करो। उनको काम भी नहीं आया, क्रोध भी नहीं आया, वो चकित हो गए। कामदेव बोले एक अप्सरा को ले जाओ, इंद्र को दिखा दो, हमारे पास ऐसा सृष्टि है,
अब क्यों परेशान हो रहे हो? तो उर्वशी नाम की अप्सरा को भेज दिया। इस प्रकार भगवान का लीला। और जो दक्ष प्रजापति का छोटी कन्या सती है, जो महादेव को विवाह किया था, उनका कोई संतान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि महादेव भोले बाबा का अपमान होने के कारण दक्ष प्रजापति ने अपमान कर दिया, इसीलिए सती जी ने यज्ञाग्नि में अपना शरीर को त्याग कर दिया, इसलिए उनका कोई संतान हुआ नहीं। विदुर जी पूछा, भोले बाबा महादेव तो किसी से द्रोह नहीं करते, सबका हितेशी, सबसे प्रेम करते हैं, और उनको दक्ष प्रजापति ने उनसे द्वेष क्यों किया? अब बताइए सारी बातें। तो मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र दक्ष को प्रजापति बना दिया, तो दक्ष प्रजापति का बड़ा अभिमान हो गया, और उनका स्वागत में एक सभा आयोजन हुआ। उसका स्वागत के लिए सब देवादेवी सब आए, देवता लोग आए, ब्रह्मा जी आए, भोले बाबा भी आए। और जब दक्ष प्रजापति ने सभा गृह में प्रवेश किया, सब ने खड़े होकर सम्मान किया, लेकिन ब्रह्मा जी और भोले बाबा बैठे थे, खड़े नहीं हुए। तो अभिमानी जो होते हैं, थोड़ा सा भी अपमान को पचा नहीं पाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए कहते हैं सम्मान को पचाना बड़ा कष्ट है, अपमान को पचाना इतना कष्ट नहीं, सम्मान को पचाना बड़ा कष्ट है। और सबका सम्मान मिला, सबको देखा, लेकिन ब्रह्मा जी तो पिताजी है, उनको क्या, ब्रह्मा जी क्या प्रणाम करेंगे, लेकिन भोले बाबा जी उठकर खड़े नहीं हुए। ये देखकर तो बड़ा गुस्सा आया दक्ष प्रजापति को, और बोला, देखो मैं अज्ञान से नहीं कहता हूँ और किसी को द्वेष करके नहीं कहता हूँ, ये सभ्य समाज में असभ्य लोग आ गए, सबने एक दूसरे को देखा, यहाँ असभ्य कौन है, कहाँ देख रहे हो तुम लोग, देखो ये जो शिव है, इसको मैंने अपना मृगयनयनी कन्या को विवाह इसके साथ कराया, ये वो ऐसा गाली देता है, बंदर जैसा मुंह वाला, शिव के साथ मेरा इच्छा नहीं था, लेकिन हमारे पिता ब्रह्मा जी बोले तो मैंने विवाह कराया, एक प्रकार के ये मेरा पुत्र जैसा है, इसको चाहिए था कि मेरे आते ही खड़े होके मुझे प्रणाम करता, लेकिन ये तो नाम मात्र का ही शिव है, इसका वेश पूरा अशिव है, शमशान में रहता है, हड्डियों का गहना पहनता है, नरमुंडों का माला पहनता है, चिता का भस्म लपेटता है, शरीर में भूत प्रेतों के साथ घूमता है, कभी रोता है कभी हंसता है पागल की तरह। इतना सारे बोल गया दक्ष प्रजापति, बोल गए, लेकिन भोले बाबा शांत स्वभाव में जैसे पहले बैठे थे वैसे ही बैठे। भोले बाबा का गण जो थे नंदीश्वर आदि को बड़ा गुस्सा आया, कुछ कहना चाहते थे लेकिन भोले बाबा ने रोक लिया। फिर भी दक्ष प्रजापति का गुस्सा शांत नहीं हुआ, बोले देखो मैं श्राप देता हूँ इसको, आज से देवताओं के साथ इसको यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, हिस्सा नहीं मिलेगा। इस प्रकार जो बोला तो नंदीश्वर को भी गुस्सा आया, क्रोध आया, बोले दक्ष क्या कह रहे, भोले बाबा को तुमने श्राप दिया, हम भी श्राप देता है, मैं भी देता हूँ तेरा बकरे जैसा सिर हो जाए, बकरे जैसा बकबक करता है, तेरा बकरे जैसा सिर हो जाए। तो फिर ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया,
नंदीश्वर ने ब्राह्मण से भिक्वंगा बन जाए और इंद्रियों लुप हो जाए आदि आदि जब बोले तो भृगु जी को गुस्सा आया, बोले अरे तुम लोग ब्राह्मण को साप देते हो, ये भगवान ब्राह्मण्य देव है, ब्राह्मण जिनका मुख से ब्राह्मणों का सृष्टि है, तो ब्राह्मणों को साप देते हो, मैं भी साप देता हूँ, तुम शिव जी का उपासना करने वाले सब पखंडी बन जाओ, संसार में ही रहोगे और भस्म लगाओगे, मदिरा पान करोगे आदि आदि। भोले बाबा ने देखा यहाँ पर ज़्यादा समय रहना ठीक नहीं, तो अपने गणों को लेकर चले गए। इस प्रकार मन मालिन्य हो गया भोले बाबा का और दक्ष प्रजापति के साथ। शरीर में लगा हुआ कोई चोट, कोई अगर बाण तीर से प्रहार करे वो तो दवाई आदि के द्वारा ठीक हो जाता है, मन में लगने वाला चोट ठीक नहीं होता, कभी मरने तक रह जाता है। तो इस प्रकार हुआ। आगे फिर ब्रह्मा जी ने उसको उनको प्रजापतियों का भी स्वामी बना दिया, अधिपति बना दिया। इसमें तो दक्ष प्रजापति का और भी ज़्यादा अभिमान बढ़ गया। पहले वाजपेयी नाम का यज्ञ किया, फिर बृहस्पति नाम सब नाम का महायज्ञ किया। तीनों लोक में सबको निमंत्रण हुआ, भोले बाबा को निमंत्रण किया नहीं। तो कैलाश पर पार्वती माता सती माता के साथ भोले बाबा विराजमान है और ऊपर से विमान सब जा रहा है। सती जी ने पूछा देवांगनाओं को, तुम लोग सब कहाँ जा रही हो? बोले आपको पता नहीं, आपका पिता एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। इसलिए इनका मन में बड़ा विस्मय हुआ, बोले हमारा पिता यज्ञ कर रहे हैं, हम जानते नहीं। और कहते हैं भोले बाबा के पास आई, उनका चरण दबाने लगी। बोले भोले बाबा पूछे क्या देवी क्या हो? ना कुछ नहीं भगवान, हमारा पतिमाता का धर्म है पति का सेवा करना। बोले आज तो ज़्यादा धर्म निभा रही हो, क्या बात बताओ? बोले नहीं नहीं हमारा आपका ससुर है, मेरा पिता नहीं। बोले क्योंकि भोले बाबा का अपना लगेगा। बोले हमने सुना कि आपका ससुर बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और सब देवता लोग जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। बोले निमंत्रण हुआ है क्या? ना निमंत्रण की क्या ज़रूरत, पिताजी के वहाँ और अपने स्वामी के घर में, अपना मित्र के घर में बिना निमंत्रण जाना चाहिए। तब तक भोले बाबा ने बताया नहीं था जो हुआ। भोले बाबा ने सारी बातें बताया, देखो देवी ऐसा ऐसा बात है, तुम्हारा पिता हमें तो द्वेष करते हैं और इसीलिए जाने से मंगल नहीं होगा और मत जाओ। उनका मन माना नहीं। बोले मेरा बहन लोग सब आई होगी और मौसी लोग, मेरी माँ से मिलूँगी, जब से विवाह हुआ तब से माँ से मिली नहीं। बहुत बोली भोले बाबा तो जानते हैं, जाने से भी अमंगल, नहीं जाने से भी अमंगल होगा, दोनों अवस्था में प्राण धारण नहीं होगा सती माता का। कुछ बोले नहीं, फिर अंत में थोड़ी चली जाती, थोड़ी फिर आ जाती, भोले बाबा नाराज हो जाएंगे इसलिए आ जाती है, फिर थोड़ा चली जाती है, अंत में चली ही गई सती जी, चली गई। भोले बाबा ने अपने गणों को भेजा साथ में, आए सती जी को देखकर उनका माता प्रसूति ने बड़ा प्रसन्न हुए, बहन लोग बड़ा खुश हुए। और लेकिन पिता को जब प्रणाम करने गई, देखा भी नहीं दक्ष प्रजापति ने, देखा भी नहीं सती जी की तरफ, और उनको बड़ा अपमान बोध हुआ। लेकिन फिर भी अपमान सहन कर गई। लेकिन जब देखा कि मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भोले बाबा के लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया जाता है, सब देवादेवी को दिया जाता, देवताओं को भाग मिलता है लेकिन महादेव के लिए कोई भाग नहीं दिया जाता है, इससे
बड़ा गुस्सा आया सती जी को और बोली, जद्वक्षरम नाम गिरे ऋतम नृणम सकृत्प्रसंगा अघमा सुहंति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवान अहो दृष्टि शिवम शिवेतर। ये शिव, ये दो अक्षर वाला जो नाम है, कभी कभार अगर कोई अपने मुख में उच्चारण कर लिया तो उसका सारे पाप नष्ट हो जाता है। ऐसे पवित्र कीर्ति जिनका शासन को, जिनका आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता, ऐसे मेरे स्वामी मेरे प्रभु को आपने अपमान किया, आप निश्चय ही अमंगल हो, आप निश्चय ही अमंगल हो। ये शिव, आप जो कह रहे हो वो कुछ जानता नहीं और अपवित्र है, नाम मात्र शिव है, वेश पूरा अशिव है, आदि आदि तुम जो कह रहे हो ये बात कोई ब्रह्मा आदि देवता जानते नहीं, तुम ही जानते हो। तभी तो उनका चरण रज को बड़े बड़े देवता लोग अपने मस्तक पर धारण करते हैं, ब्रह्मानंद का आनंद पाने के लिए बड़े बड़े योगीश्वर मुनि तपस्वी जिनका चरण का सेवा करते रहते हैं। ऐसे पवित्र कीर्ति सबका सुहृद, ऐसे मेरे प्रभु को तुमने द्वेष किया और जिस स्थान पर कोई गुरु वर्गों का, कोई महत्पुरुषों का अपमान होता है, अगर सामर्थ्य है जो अपमान करता है उसका जीवा को पकड़कर काट दो, अगर सामर्थ्य नहीं कान बंद करके जगह छोड़ के चले जाओ। ऐसा जो जहाँ अपमान होता है अपना प्राण देने को भी डरना नहीं चाहिए। हे पिताजी, तुम जब मैं जाऊंगी मेरे स्वामी के पास, वे जो बोलेंगे मुझे दक्ष कुमारी, दक्ष नंदिनी, दक्षायनी आदि कह के जब मुझे पुकारेंगे तो मुझे कितना दुख लगेगा कि तुम्हारा रक्त से मैं, तुमसे जन्म लेने के कारण ये शरीर को मैं रखना बहुत हो गया, अभी मैं ये शरीर को धारण करना नहीं चाहती हूँ। इस प्रकार सती जी माता को बड़ा दुख हुआ और उत्तराभिमुख होकर बैठ गई और पीला रंग का एक चुनरी ओढ़ के बैठ गई, अपने योगाग्नि में अपना शरीर को दग्ध कर दिया। उनके गणों जब थे नंदीश्वर आदि, वे आक्रमण करना चाह रहे थे लेकिन भृगु जी ने आहुति दिया, यज्ञ में रुभु नाम का देवता प्रकट हुए, उनको मार पीट कर भगा दिया। और इधर नारद जी जाके भोले बाबा को सारी बातें बोल दिए, बोले देखो आपका जो प्राण प्रिया पत्नी सती शरीर त्याग कर दिया। ऐसा सुनते ही उनको बहुत क्रोध हुआ और अपना जटा उखाड़ के नीचे पटक दिया। एक विकराल पुरुष प्रकट हो गया, हजार भुजा वाले और तीन नेत्र था विकराल पुरुष। भगवान भोले बाबा को प्रणाम करके बोले, क्या आदेश स्वामी बताइए। भोले बाबा बोले, जाओ यज्ञ के साथ दक्ष को नष्ट कर दो। उनका वीरभद्र नाम हुआ। वीरभद्र गए गणों के साथ, जाकर जाते समय बड़ा धूल उड़ रहा है, सबने देखा कहाँ आंधी तूफान हो रहा है, बहुत कहाँ से, अभी तो चोर डकैत आ रहे हैं क्या, नहीं अभी तो नहीं, प्राचीन वर ही राजा है, गाय आ रहे हैं, गोमाता सब आ रहे हैं घास चर के, अभी तो समय नहीं गोमाता लौटने का। देखते देखते सब आ करके शिव जी के गण बांध दिया सबको, मणिमान ने भृगु को बांध दिया और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को बांध दिया, उषा देवता और आदि सब देवताओं को बांध दिया। और कहाँ जा रहे हो देवता लोग, भाग लेने आए थे
भाग लेके जाओ अपना अपना। इस प्रकार कहते हुए सबको बांध दिया, यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और फिर वीरभद्र ने पूछा, ये भृगु क्या कर रहे थे ना, जब अपमान हो रहा था भोले बाबा का, दाढ़ी पकड़ के ऐसा दाढ़ी में हाथ घुमा रहे थे, हंस रहे थे, तो मूछ दाढ़ी उखाड़ दिया। भृगु जी का मूछ दाढ़ी वीरभद्र ने उखाड़ दिया। भगव नाम का देवता का आँख निकाल दिया, आँख दिखा के हंस रहे थे। पूषा नाम की देवता दांत दिखा के हंस रहे थे, 32 दांत एक मुक्के में निकाल दिया। इस प्रकार सब देवताओं को अंग भंग कर दिया, यज्ञों को तहस महस कर दिया। और इस प्रकार जो भृगु जी ने वैकुंठ में जाके भगवान के छाती में लात मार सकते हैं, लेकिन वैष्णव अपराध हो गया, इसीलिए उनका कोई काम नहीं दिया ताकत, मूछ दाढ़ी उखाड़ दिया वीरभद्र ने। जहाँ वैष्णव अपराध होता है, वहाँ जो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो करते हैं, सबको दोष लगता है। वहाँ जो समर्थन करते हैं, सबको दोष लगता है। इस प्रकार देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। देवताओं जाकर ब्रह्मा जी के पास जाके रोने लगे, बोले पितामह देखो हमारा ऐसा ऐसा हुआ। बोले इसीलिए तो मैं गया नहीं, तुम लोग क्यों गए, जो भी हो गया कृपा कीजिए। भोले बाबा के पास लेकर गए, भोले बाबा के पास ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर गए। भोले बाबा बरगद पेड़ के नीचे एक विराजमान थे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे थे कैलाश पर्वत में। ब्रह्मा जी जब आए देखे, भोले बाबा ने उठकर प्रणाम किया कि भोले बाबा ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, यद्यपि भगवान है। जिस प्रकार कश्यप ऋषि को वामन भगवान प्रणाम करते थे पिता होने के कारण, उसी प्रकार भोले बाबा ने प्रणाम किया। और देवता लोग थोड़ा पीछे रह गए, अगर कैसा स्थिति देखो अच्छा है तो हम आएंगे। तो ब्रह्मा जी ने बुलाया, आओ कोई बात नहीं, अभी अच्छा है, शांत है भोले बाबा। तो आए सब रोने लगे, सब क्षमा याचना किया। भोले बाबा बोले मैंने तो कोई क्रोध नहीं, खाली शिक्षा देने के लिए थोड़ा मैंने कुछ कर दिया। देवता लोग बोले, बोले प्रभु जी, प्रभु आप चिंता नहीं करना, आपको यज्ञ में जो बचेगा सब आपका ही है, यज्ञ के अंत में जो कुछ बचेगा आपका भाग है। भोले बाबा खुश हो गए, सबको साथ में लेकर गए और दक्ष प्रजापति का सिर को काट दिया था वीरभद्र ने, यज्ञ कुंड में डाल दिया। तो उसका एक बकरे का सिर ला के लगा दिया गया दक्ष प्रजापति का। और चेतना आई, बहुत रोया दक्ष प्रजापति ने, बहुत प्रार्थना किया और भोले बाबा का बड़ा स्तुति किया, अपना पुत्री के लिए बड़ा रोदन किया। इस प्रकार यज्ञ फिर से हुआ और भगवान नारायण वहाँ प्रकट हो गए, अष्टभुजधारी नारायण वहाँ प्रकट हुए और भगवान नारायण को सबने स्तुति किया। भोले बाबा बोले, ए भगवान नारायण बोले, देखो मैं और ब्रह्मा जी और शिव जी तीनों में जो भेद नहीं देखता है वो शांति पाता है। इस प्रकार बोले, फिर यज्ञ समापन हुआ। इस प्रकार कथा है। आगे स्वयंभुव मनु के जो दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, प्रियव्रत तो भजन करने चले गए थे, उत्तानपाद राजा हुए। उत्तानपाद राजा हुए, उनका दो पत्नी सुरुचि और सुनीति, सुनीति बड़ी है, सुरुचि छोटी है। सुनीति का पुत्र है ध्रुव महाराज, सुरुचि का पुत्र है उत्तम। एक बार उत्तम को गोद में लेकर उत्तानपाद प्यार दुलार कर रहे थे, उस समय ध्रुव महाराज आए, गोद में बैठना चाह रहे थे, जो सौतेली माँ सुरुचि ने पकड़ के नीचे नीचे खींच लिया। बोला, अरे बालक तेरा इतना हिम्मत, राज सिंहासन में बैठना चाहता है, अगर तेरा बैठने का इच्छा है
तो मेरे भगवान को पूजा कर, तपस्या कर, भगवान को तपस्या कर, जब प्रसन्न हो जाएंगे तो गर्भे तुम साधया मास यदिच्छसि नृपासनम्। तपसा राज्य पुरुष तस्यैव अनुग्रहेण मे गर्भे तुम साधया मास यदिच्छसि नृपासनम्। भगवान नारायण का तपस्या कर, नारायण जब बोलेंगे क्या चाहिए बताओ, ऐसा कहना कि मेरा सुरुचि माता के गर्भ से मुझे जन्म देना, मेरे गर्भ से जन्म लेगा तो तू राजा बन पाएगा, राजगादी में बैठेगा, तू तो दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तेरा इतना सौभाग्य कैसे हो जाएगा, तू राज सिंहासन में बैठना चाहता है, अपने गर्भ को इतना वो दुर्लभ मान लिया सुरुचि ने, तो उनको बड़ा दुख आया, बड़ा क्रोध आया। ध्रुव मारा 5 साल का बालक है, रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास, सुनीति का जो घर है वो नगर से बाहर कोई बगीचे में उसको रहने का दे दिया। रोते रोते गए माता के पास और क्या हुआ बेटा, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ कहते नहीं। सब लोगों ने, दूसरे लोगों ने बताया कि सौतेली माँ ने ऐसा ऐसा बोली। तब उनको बड़ा दुख हुआ सुनीति माता को। सुनीति माता ने समझाया, बोले बेटा तुम्हारी माँ सही बात बोला, बोली देखो तुम्हारे जो पितामह मनु महाराज वो भगवान की भजन करके ही इतना बड़ा पद प्राप्त किया है, तुम्हारे प्रपितामह ब्रह्मा जी भगवान का भजन करने से ही इतना बड़ा पद प्राप्त किया है, तुम भगवान का भजन करो जाओ, किसी का द्वेष नहीं करना, द्वेष नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, भगवान का भजन करो। माँ ने भेज दिया भजन करने के लिए, 5 साल का बालक को माता ने भजन करने के लिए भेज दिया। आजकल कोई अगर भजन करना चाहता है, माता पिता पहला दुश्मन बन जाते हैं, कहाँ जाएगा, उसको कैसे भी पकड़ के ले आते हैं और जबरदस्ती खींच के ले लेते हैं। जैसे कहते हैं कोई यात्रा देख, कोई एक हो रहा है, सर्कस हो रहा है, सर्कस देखने सब जाते हैं, जब अंदर जाता है कोई 5 रुपए का टिकट है, अंदर जब जाता है उसको मुक्का मारते हैं, 2-4 भगा देते हैं, जो जाता है बाहर आता है अंदर से निकलता है, क्या ना बड़ा सुंदर दृश्य है, बड़ा अच्छा हो रहा है, अरे वो सोचा मैं भी मुक्का खाया, ये लोग भी खाना चाहिए, तो दूसरों भी जाता है वो भी ऐसा ही कहता है कि संसार के लोग सोचते हैं हम तो कष्ट पा रहे हैं, ये कहाँ जा करके आनंद मनाएगा भजन करके, इसलिए कैसे भी पकड़ करके, इसलिए स्वजनाक्ष दस्यु कहा गया, अपना परिवार वाले ही दुश्मन होते हैं, स्वजनाक्ष दस्यु कहा गया श्रीमद् भागवत महापुराण में, जो भी हो, लेकिन सुनीति माता ऐसा माता थी, 5 साल का बालक को भजन करने के लिए भेज दिया। भगवान ने जब देखा तो नारद जी को भेजा, नारद जी आए, बोले, नारद जी को प्रणाम किया, बोले बालक बच्चा तू कहाँ जा रहा है, ना भजन करने के लिए नारायण भगवान को प्राप्त करूँगा, बोले ये तेरा कोई उम्र है भजन करने का, खेल कूद का समय है, घर में चला जा, मैं उत्तानपाद को बोल दूंगा मेरा चेला है, तुझे राज्य दे देगा पूरा, राजा तू बन देगा राजा, और ये कोई भजन करने का समय है, राग द्वेष क्यों करता है, अपना कर्म के अनुसार आता है, जो भी आता है निंदा अपमान सहन करना चाहिए, कहते हैं ऐसा संत लोग कहते हैं। तो बोले आपका शुभ नाम क्या है, ध्रुव जी ने पूछा नारद जी को, आपका शुभ नाम क्या है, ना तू जानता नहीं मुझे, हाँ तू तो पहली बार देख रहा है, कैसे जानेगा, मेरा नाम नारद है, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, तो साष्टांग दंडवत किया, ध्रुव महाराज ने साष्टांग दंडवत किया, बोले मैं तो मेरी माँ से सुना था जो कोई भजन करना चाहता है तो नारद जी उसको रास्ता दिखाते हैं, भजन का मार्ग दिखाते हैं, अब असली नारद या नकली बताओ, मुझे तो नहीं लगता है आप असली हो, असली होते तो भजन का रास्ता दिखाते, घर का रास्ता दिखा रहे हो तो आप नकली हो सकते हैं। बोले नहीं बेटा, तुझे परीक्षा करने के लिए ही मैं बोल रहा था, और कोई बात नहीं, भजन कर,
गदा से अक्षर मंत्र दे दिया नारद जी ने और बोले तत्ता तो गच्छ भद्रम ते जमुनाया तटम सुचि पुण्यम मधुवनम जत्र सानिध्यम नित्यदा हरे हे हे तात हे बच्चा आप ब्रज में चले जाओ और मथुरा मधुवन में जाओ यमुना किनारे बैठ के भजन करो और मंत्र भी दे दिया भगवान का ध्यान चिंतन का उपाय बता दिया और फिर नारद जी का प्रणाम करके ध्रुव महाराज आ गए मधुवन में आ गए आके भजन किया। पहले महीने में 3 दिन में एक बार फलाहार करते थे, दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार सूखा पत्ता आदि खा के रहते थे, तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार केवल जलपान करके रहते थे, चौथे महीने में 12 दिन में एक बार केवल वायु आहार करके रहते थे और फिर 5 महीने होते होते वायु को भी रोक लिया और सांस प्रश्वास को रोक लिया। जब सांस रोक लिया सारा ब्रह्मांड का सांस रुक गया, भगवान के साथ एकात्मता होने के कारण सारा ब्रह्मांड का सांस रुक गया। देवता लोग घबरा गए, भगवान के पास गए, बोले ये क्या हो गया प्रभु। भगवान बोले मेरा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है और मैं उसको दर्शन करने के लिए जाऊंगा, आप चिंता मत करो। इस प्रकार भगवान उनको सांत्वना दिया और एक पैर में एक अंगूठे में खड़े हुए थे ध्रुव महाराज, उनका वजन से पृथ्वी आधा झुक गया, आधा पृथ्वी झुक गया भगवान ध्रुव महाराज का जो वजन से। जब भगवान फिर गरुड़ में बैठकर आए और ध्रुव महाराज तो अपने भजन में तपस्या में लीन थे और उनके हृदय में ठाकुर जी का जो रूप वो चिंतन कर रहे थे वो अंतर्हित हो गया, वो विह्वल होके आँख खोल के देखा तो साक्षात भगवान विराजमान है। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कुछ स्तुति करना चाहते थे लेकिन कुछ कह नहीं पाए। भगवान जानकर अपना वेद रूपी शंख उनके कपोलों में स्पर्श करा दिया। उनका फिर ध्रुव महाराज ने बड़ा सुंदर स्तुति किया। ध्रुव महाराज बोले हे भगवान, जो कल्पांत में आप सारा सृष्टि को अपने भीतर लीन कर देते हो और जब सृष्टि प्रारंभ होता है आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा जी, ऐसे भगवान आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। ऐसा ध्रुव महाराज देख रहे थे मानो आँखों से पी लेंगे, आलिंगन करना चाहते हैं, चुंबन देना चाहते हैं भगवान को। इस प्रकार बड़ा सुंदर स्तुति किया है भगवान। जो लोग आपका भजन करके तुच्छ सांसारिक वस्तु भोग वस्तु मांगते हैं, समझना चाहिए आपका माया उनको मोहित कर दिया है। जो भोग वस्तु नरक में भी मिलता है, नारों के प्राणी को भी मिलता है, जो सच्चा अगर प्रेम करने वाला क्यों मांगेगा ऐसा। हे भगवान, भक्ति मोह प्रभतम तो में प्रसंगो भूयाद अनंत महतम अमर सयानम जेनांजल मर मुरु व्यसनम भवाब्धि निश्चय भवत गुण कथा मृतपानमत्तः। हे भगवान, जो आपका प्रेमी संत महापुरुष है, जो आपका भक्ति को छोड़कर कुछ जानते नहीं कुछ चाहते नहीं, ऐसा संतों का सानिध्य मुझे दीजिए। और आपका उन संतों के बीच में रहकर और आपका दिव्य लीला कथा श्रवण करते करते मैं ऐसा उन्मत्त हो जाऊंगा कि मुझे पता भी नहीं चलेगा कब मैं भवसागर को पार कर लिया। कोई नाव में तो नाविक नौका चला रहा है, कोई नाव में शराब पी के सो गया, नहीं उसको पता नहीं चलेगा कब इस पार से उस पार पहुंच गया। उस प्रकार जो आपका प्रेम में मैं उन्मत्त हो जाऊंगा और भवसागर को आसानी से ही मैं पार हो जाऊंगा। इस प्रकार बड़ा सुंदर स्तुति किया ध्रुव महाराज ने और भगवान बोले बच्चा ध्रुव, मेरा इच्छा है, तुम्हारे मन में कोई कामना नहीं है,
लेकिन मेरा इच्छा है तुम 36,000 वर्ष राज्य शासन करो और फिर मेरा भजन करके मेरे पास आ जाओ। उनका मन में ज़्यादा आनंद हुआ नहीं। भगवान जो विदा लेके जा रहे थे, ध्रुव महाराज सोचा मैंने क्यों ऐसा मन में भी विचार किया, तभी तो मुझे ऐसा अभी चले जाता भगवान के साथ। जो भी हो, इधर उत्तानपाद को जाके नारद जी बताया। नारद जी को देखकर उत्तानपाद रोने लगे, बोले मेरा बेटा को मैंने इतना अपमान किया, मैं स्त्रैण हूँ, मैं इतना अपमान किया, वो कहाँ गया, कोई शेर खा गया होगा उसको जंगल में। बोले आप चिंता मत करो, कहते जा को रखे साइया मार सके ना कोई, बाल बंक ना कर सके, जग जब बैरी होई, सारी दुनिया दुश्मन होने पर भी कुछ नहीं कर सकता, आप चिंता नहीं करना, उसको भगवान रक्षा करते हैं और बहुत जल्दी ही आ जाएगा। फिर ध्रुव महाराज अभी लौट रहे हैं, उत्तानपाद रानियों के साथ सबको लेकर साथ में गए। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन किया, उनको बड़ा आदर के साथ लेकर के आए। ध्रुव महाराज राज्य शासन किया और उत्तानपाद जंगल में चले गए भजन करने। उनका भाई उत्तम को एक यक्ष ने मार दिया। उनकी माँ जो सौतेली माँ सुरुचि जंगल में जल के मर गई, और फिर उनको यक्ष के ऊपर क्रोध आया, मेरे भाई को मार दिया। तो ध्रुव महाराज ने बड़ा घमासान युद्ध किया, हजारों लाखों यक्षों को मार दिया, नारायण अस्त्र से सबको मार दिया। फिर मनु महाराज ने आके समझाया। मनु महाराज बोले देखो बेटा, ये भक्तों का मार्ग नहीं, ये जो भगवान का भजन करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्ति करना चाहते हैं, वो किसी से द्वेष नहीं करते हैं। अगर दुनिया में किसी के प्रति भी अगर द्वेष है तो कभी प्रेम प्राप्त होना संभव नहीं। इसीलिए तुमने तो बचपन से ही भगवान को प्राप्त कर लिया था, तुम्हारे मन में ऐसा द्रोह क्यों हुआ? ऐसा द्रोह ठीक नहीं। जो सबको समान कर, सबको प्रेम करते हैं, सबको सम्मान देते हैं, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। तुम ये युद्ध बंद करो। युद्ध बंद कर दिया। कुबेर जी ने बड़ा प्रसन्न हुए, आके आशीर्वाद दिया और क्या वर चाहिए बताओ? ध्रुव महाराज बोले मुझे अविचल स्मृति चाहिए, भगवान का अविचल स्मृति दे दो। तथास्तु बोल के चले गए। ध्रुव महाराज इस प्रकार अपने पुत्र उत्कल को राज्य समर्पण करके भजन करने चले गए और बद्रीनाथ के क्षेत्र के आसपास उन्होंने भजन किया। और कहते हैं गंगा जी का धारा बहुत शब्द हो रहा था, उनका भजन में बाधा हो रहा था, तो ध्रुव महाराज वो छोड़ के जा रहे थे। गंगा माता बोली कहाँ जा रहे हो? ना मेरा यहाँ भजन में बाधा होता है, ना आप चिंता मत करो, आज से यहाँ कभी शब्द होगा नहीं। कहते हैं अभी भी शब्द वहाँ होता नहीं जहाँ ध्रुव महाराज भजन कर रहे थे। ध्रुव महाराज ऐसा प्रेम में भजन करते करते ऐसा स्थिति हुआ, उनका अष्टसती विकार दिखाई दिया, अश्रुकंप स्वेद पुलक आदि विकार उनमें दिखाई दिया और ये देह बंधन से मुक्त हो गए। मैं ध्रुव हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये ज्ञान भी उनका रहा नहीं। फिर भगवान का दोनों पार्षद नंद सुनंद जो मुख्य पार्षद है, वो विमान लेकर आए और ध्रुव महाराज विमान में बैठने जा ही रहे थे, उनका दिव्य स्वरूप हो गया। फिर मृत्यु साक्षात वहाँ पर आए। मृत्यु बोले मेरे सिर पर आप चरण रख के जाओ, क्योंकि भगवान के भक्तों को मैं तो दंड नहीं दे सकता, कष्ट नहीं दे सकता, आपका चरण रज मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, मेरे सिर पर चरण रख के जाओ। तो मृत्यु के सिर पर चरण रख के ध्रुव महाराज विमान में बैठकर भगवान के धाम को जाने लगे। ये भगवान का भजन का प्रताप है, जो भगवान का भजन करते हैं मृत्यु भी झुक जाता है उनके सामने, उनके सामने मृत्यु भी झुक जाता है। एक संत थे, कहते हैं भजन कर रहे थे, उनका अंतिम सांस अंतिम समय आ गया, शरीर त्याग कर दिया, उनको लेकर जा रहे थे भक्त लोग और एक मैया ब्रजवासी मैया बोली अरे बाबा तुझे अभी मरना था, मेरा बेटी का शादी है, कल मरता तो थोड़ा अच्छा से देखता थोड़ा। वो उठ के बैठ गए, बोले नहीं मैया तुम्हारा इच्छा नहीं था, आज नहीं मरूंगा, कल मरूंगा। फिर उठ के चले गए, फिर कुछ हुआ नहीं, फिर अगले दिन फिर शरीर त्याग किया। इसलिए भगवान का जो मृत्यु जो है, भगवान का भक्त को कष्ट नहीं दे सकता, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है आपका अगर इच्छा हो तो चलिए, नहीं तो आपका जैसे इच्छा। इस प्रकार ध्रुव महाराज जी भगवत प्राप्त हो गए। उनके वंश में आगे चलकर अंग हुए
राजा अंग हुए, उनका पुत्र हुआ बैण, बड़ा दुष्ट निकला और सबको दंड दिया, कष्ट दिया और सब ऋषि मुनियों को बोल दिया। अरे ऋषि मुनि समझाने आए, तुम लोग तुम ये अन्याय क्यों करते हो राजा होके? यज्ञ सब बंद कर दिया, कोई यज्ञ नहीं होगा मेरे राज्य में, अगर पूजा करना है मेरा ही पूजा करो। बोले ऐसा ठीक नहीं। बैण ने बोला तुम लोग व्यभिचारी स्त्री जैसा हो, मैं राजा सबका पति हूँ, सर्वदेवमय हूँ, मेरा छोड़ के दूसरे कोई नारायण का क्यों भजन करते हो, मेरा भजन करो। इस प्रकार सुन के उनको बड़ा क्रोध आया, उनको अपने शक्ति से उनको मार दिया, मर गया बैण, मर गया। तो फिर अराजक हुआ, फिर उनका शरीर को मंथन किया, पहले काला पुरुष प्रकट हुआ, उनको बोले निशित बैठ जाओ। वो काला पुरुष को फिर प्रणाम किया इन लोगों को, काला वो बोले तुम्हारा वंश में तुम निषाद राज बनोगे, जंगल का राजा तुम बनो, और तुम्हारे वंश में ऐसा एक प्रेमी भक्त होंगे जो भगवान रामचंद्र उनको सखा बनाएंगे, गुहक जो निषाद राज गुहक है, ऐसा प्रेमी भगवान रामचंद्र उनसे ऐसा प्रेम करते थे, उनके गांव से ही भी अगर कोई आता था, उनके गांव से कोई आया है कोई द्वारपाल कहता है, तो भगवान खुद दौड़ते हुए द्वार पास आ जाते, मेरा मित्र के गांव से कोई आया है, ऐसा भगवान का भक्त वात्सल्य ऐसा है। जो भी हो, फिर आगे उनका शरीर को मंथन किया, तो भगवान का अवतार पृथ्वी महाराज और अर्ची महारानी लक्ष्मी का ही अवतार है प्रकट हुए, उनका बड़ा राज्याभिषेक हुआ और सब अपना अपना उपहार दिया। वरुण जी ने छत्र दिया जिसमें जल टपक टपकता रहता है, पृथ्वी माता पादुका दी और इंद्र ने मुकुट दिया, कुबेर ने सिंहासन दिया, उनका बड़ा सुंदर राज्याभिषेक हुआ। फिर सब ने देखा, महाराज जी ने देखा पृथ्वी महाराज कि पृथ्वी माता सब छुपा लिया शस्य को, उनको बड़ा क्रोध आया, धनुष लेके मारने के लिए गए। पृथ्वी माता गो रूप धारण करके तीनों लोक में भ्रमण किया, कहीं शांति नहीं मिली। फिर पृथ्वी महाराज के पास आए, बोले ऐसा ऐसा है, दुष्ट राजा के कारण मैंने ऐसा किया था, आप बछड़ा बना के दोहन करो सब। मनु महाराज को बछड़ा बना के सारे शस्य दोहन किया, कपिल भगवान को बछड़ा बना के ज्ञान को दोहन किया, इस प्रकार सब दोहन किया। और पर्वत ज़्यादा था, पहले समतल भूमि नहीं था, अपने धनुष के टोक से सबको समान कर दिया, पर्वतों को उखाड़ के एक जगह कर दिया पृथ्वी महाराज ने, इस प्रकार समतल भूमि कर दिया। पृथ्वी महाराज जी का बड़ा सुंदर चरित्र है। आगे 180 में यज्ञ किया पृथ्वी महाराज ने, 99 यज्ञ तो पूरा हो गया, 100वां यज्ञ में इंद्र बाधा दे दिया, इंद्र को डर रहता है, कोई 100 यज्ञ करेगा तो इंद्र बन जाएगा, तो भगवान थोड़ी इंद्र बनने की इच्छा करेंगे, पृथ्वी महाराज तो साक्षात भगवान है, कोई ऑफिसर थोड़ी पियन बनने का चेष्टा करेगा, लेकिन वो उनका दिमाग ऐसा ही है, डर रहता है हमेशा, तो उनका यज्ञ का अस्त्र को चुरा के बार बार ले लिया। और अत्रि जी ने कहने पर उनका पुत्र विजितास्व ने युद्ध किया, इंद्र को अस्त्र को लेकर बार बार आए, अंत में ब्राह्मण लोग बोले आप चिंता मत करो, इंद्र को ही स्वाहा कर देंगे यज्ञ में, तो इंद्र को ही स्वाहा करने मंत्र पढ़ने लगे, इंद्र आसन हिलने लगा, भगवान साक्षात नारायण भगवान इंद्र को साथ में लेकर आए और पृथ्वी महाराज को बड़ा आनंद हुआ, भगवान को दंडवत प्रणाम किया, भगवान बोले आप चिंता मत करो, इतने में ही रहने दो, कोई बात नहीं। और फिर बोले पृथ्वी महाराज बड़ा स्तुति किया, क्या चाहिए बताओ, वर मांगो। भगवान बोले वर मांगो, बोले महाराज बोले भगवान वर मांगो ये मत कहना, क्योंकि मोहित कर देते हो आप वर मांगो कह करके, अगर वर देना चाहते मुझे 10,000 कान दीजिए, जिसमें प्रेमी रसिकों के दो कान से क्या सुनूंगा, 10,000 कान हो जाए लीला कथा श्रवण करूंगा। और ऐसा एक इच्छा है आपका चरण को जो लक्ष्मी माता सेवा करती है, मेरा भी यही इच्छा है, हम दोनों में लड़ाई हो जाएगा तो आप मेरा पक्ष लेना। इस प्रकार बड़ा प्रेम से बड़ा स्तुति किया, सनक आदियों ने भी वहाँ आए, उनका भी बड़ा आदर सत्कार हुआ। पृथ्वी महाराज फिर भजन करने के लिए चले गए। इनके वंश में आगे चलकर प्रचेता प्राचीन बरी हुए, प्राचीन बरी इतना यज्ञ किया
सारा पृथ्वी को कुशा से ही बिछा दिया, पूर्ण हो गया सारा पृथ्वी। उनका पुत्र प्रचेता लोग भजन करने के लिए जा रहे थे और भगवान भोले बाबा एक सरोवर से प्रकट होकर उनको दर्शन दिया, उनको ज्ञान उपदेश दिया जो रुद्र गीता के नाम में प्रसिद्ध है। और भोले बाबा ने उनको मंत्र दिया, हे प्रचेताओं, जो भगवान नारायण का भजन करना चाहता है वो मेरा प्राण है। भगवान शिव जी का जो भजन करते हैं उनको उतना प्रिय नहीं, लेकिन जो नारायण भगवान राम कृष्ण का जो भजन करते हैं भोले बाबा को ज़्यादा प्रिय है। और भोले बाबा बोले, ख्यानार्धना भी तुलये न स्वर्ग न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम की मुताशिष। आधा क्षण का भी सत्संग को मोक्ष और स्वर्ग के साथ भी तुलना नहीं किया जा सकता। संसार की तुच्छ वस्तु को क्या कहना, सत्संग का बहुत महिमा बताया। फिर प्रचेता लोग भजन करने चले गए। यह इधर प्रचीन वर ही इतना यज्ञ किया, नारद जी आए एक बार, बोले ये क्या कर रहे हो, ना यज्ञ कर रहा हूँ किसके लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, ना देखो आसमान में देखो, तुमने जो जो पशु को मारा है सब मुंह फाड़ के बैठे हैं, तुम जब मरोगे तुमको नोच नोच के खा जाएंगे सब, ये क्या कर रहे हो। बोले मैं क्या करूं, मुझे आप ज्ञान दीजिए, मैं समझ नहीं पाया, कर्मकांड में ही फंस गया। बोले एक कथा कहता हूँ सुनो। बोले एक दो मित्र थे, एक का नाम है अभिज्ञात और एक का नाम पुरंजन। जो अभिज्ञात जो मित्र थे, पुरंजन बोले अभिज्ञात को, मैं थोड़ा घूमने जाऊँगा। अभिज्ञात बोले कहाँ जाओगे, मत जाओ, नहीं माना नहीं, गया घूमने के लिए जाओ। फिर लाखों नगर को ढूंढते ढूंढते कहीं भी रहने को उसका अच्छा नहीं लगा। एक नौ द्वार वाला एक नगर था, उसको अच्छा लगा, नौ द्वार वाला नगर को रहने को अच्छा लगा, वहाँ रहा। वहाँ पांच फन वाला एक नाग उस नगर का रक्षा करता था और उसमें 10-11 सैनिक थे, नगर का रक्षा करते थे। और वहाँ एक कन्या थी और वो नगर का मालकिन वही थी। और इस प्रकार नगर में वो गया, उसको अच्छा लगा। वो कन्या को पूछा कि यहाँ मैं रहना चाहता हूँ, ना अच्छा रहो, ना तुम्हारा विवाह हुआ है ना नहीं हुआ है। तो उसको विवाह कर लिया, पुरंजन ने उसको विवाह कर लिया और फिर आनंद में रहने लगा, और कोई चिंता नहीं, आनंद में रहने लगा। और लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि जरा नाम की एक स्त्री आई, कालकन्या आई और चंडवेग नाम का गंधर्व राजा के पास आया और मुझे स्वीकार करो। चंडवेग बोला, नहीं कोई चिंता नहीं, आप दुखी मत हो, मैं मेरा छोटा भाई प्रज्वर को भेजता हूँ तुम्हारे साथ, और तुम जिसको पसंद उसको ग्रहण करो, उसको अपना लो, कोई बात नहीं। तो कालकन्या जो जरा नाम की वो आई और 360 गंधर्व, 360 गंधर्वी को दे दिया, काला काला गंधर्वी और गोरे गोरे गंधर्व को दे दिया, साथ में लेकर आई और पुरंजन के नगरी में वहाँ प्रवेश किया। पांच फैन वाला नाग बहुत कोशिश किया लेकिन बचा नहीं पाया, वो दुखी होकर फिर भाग गया नाग। फिर वो 11 सैनिक बहुत युद्ध किया लेकिन वे भी हार गए। फिर अंत में वो कालकन्या वो पुरंजन को ग्रास कर लिया, उसका मौत हो गया। और पत्नी में आसक्त होने के कारण अगले जन्म में स्त्री शरीर प्राप्त हुआ और वो मलयध्वज राजा के रानी बनी। और एक बार राजा का मौत हो गया, वो रोने लगी, सती होना जा रही थी, वो पुरंजन ही अभी स्त्री बनी है, क्योंकि मरने के समय जिसमें आसक्ति वही शरीर मिलेगा। जंजम बापि स्मरण भाव त्यजन तंत्र कलेवर हो तम तमें वैदिक अंत सदा तद्भाव भावित हो। मरने के समय स्त्री में आसक्ति हुआ, स्त्री शरीर मिला, तो सती होना जा रही थी। एक ब्राह्मण आए, अभिज्ञात ही जो उनका सखा अभिज्ञात ब्राह्मण के रूप में आए, बोले हे सखा,
आप क्या कर रहे हो? बोले मैं पतिव्रता नारी, आप क्यों मुझे सखा कह रहे हो? मैं तो आपको जानता नहीं। फिर उनको ज्ञान याद दिलाया, देखो हम दोनों मान सरोवर के हंस थे, हम आनंद में रहते थे, आपने मुझे छोड़कर आ गए, आप पिछले जन्म में पुरंजन थे, याद करो। उनको सारी बातें याद हो गया। फिर अभिज्ञान सखा के साथ वे चले गए, आनंद में रहने लगे। राजा प्राचीनवर्ही बोले, मैं तो कुछ समझ में नहीं आया मुझे ये बातें। बोले मैं कहता हूँ समझो, सुनो, ये जीवात्मा है पुरंजन, परमात्मा भगवान है अभिज्ञात, दोनों जन्म जन्म का साथी है, ये दुनिया वाले दो दिन का साथी है, लेकिन उनको छोड़ के आ गया जीव, जीवात्मा आ गया आनंद पाने के लिए, सब नगर में ढूंढा कहीं अच्छा नहीं लगा, 84 लाख जोनी में भ्रमण किया जीव, कीट पतंग पशु पक्षी आदि बना, कभी शांति नहीं मिला। मनुष्य शरीर नव द्वार है, मनुष्य शरीर में नव द्वार है, मनुष्य शरीर उसको अच्छा लगा, उसमें पांच फन वाला नाग कौन है? जो प्राण से प्राणवायु है, प्राण अपान व्यान उदान समान, पंच प्राणवायु है, और 11 इंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, मन सेनापति है, और 10 इंद्रियों उनका सैन्य है। उस नगर में आके रहने लगा, नवद्वार वाला नगर में, कभी कहाँ जाता था, कभी कभी किसी द्वार से जाता था, कभी आँख आ चाहता है अच्छा अच्छा देखने के लिए, कभी काम चाहता है अच्छा सुनने के लिए, ग्राम्य वार्ता ग्राम्यों को था, इस प्रकार वो शिकार करने जाता था कभी किसी द्वार से, और इस प्रकार तो समय हो गया, तो जरा मतलब वृद्धावस्था आ गई, जरा कन्या मतलब वृद्धावस्था उनका आ गया, और प्रज्वल 360 अब 360 गंधर्वियाँ है दिन और रात्रि, एक साल में जो एक संवत्सर होता है वो चंडवेग को संवत्सर कहते हैं, साल है, एक साल में 365 दिन 365 रात्रि होता है, वो गंधर्वियाँ कहा गया। तो इस प्रकार उसका काल को हरण करने लगा, और इस प्रकार वो जीवात्मा जो आसक्त होकर अंत समय में बड़ा कष्ट पाता है। हे प्राचीनवर्ही, आप भगवान का भजन करो, हे यज्ञ आदि में क्या मिलेगा तुमको, इस प्रकार समझाया। प्राचीनवर्ही भजन करने के लिए चले गए, प्रचेता लोग भजन किया भगवान का, भोले बाबा ने उनको अच्छा ज्ञान उपदेश दिया, और नारद जी ने प्रचेताओं को एक सुंदर ज्ञान दिया, बोले देखो भगवान को कैसे प्रसन्न करेंगे, बहुत अच्छा बात है। बोले दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट जैन के नवा सर्वेन्द्रिय उपशांता तुष्यंति आशु जनार्दन। ये 3 बात है, 3 बात को हृदय में धारण करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नारद जी कह रहे हैं दया सर्वभूतेषु, सबको दया करो, सब जीवों के प्रति दया करो, किसी से प्रति द्वेष द्रोह मत करो, और संतुष्ट जैन के नवा, जिस भी स्थिति में संतुष्ट हो, सुखी कौन है? जो संतुष्ट है वही सुखी है, जो संतुष्ट नहीं हमेशा दुखी ही दुखी है। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष जो नहीं है चाहे उसको इंद्रपद भी दे दो, कभी शांति नहीं मिलेगा। न च इंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनि रेकांत जीविन। जो भगवान का भजन करते वही सुखी है, बाकी दुनिया में कोई दुसुखी नहीं, सब दुखी है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कभी कोई धन भी नहीं रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब कोई दुखी, सुखी कृष्ण का दास। भगवान का जो भजन करते वही सुखी है, बाकी सब दुखी ही दुखी है। अनेक बातें हैं, कौन सुखी है? कहते हैं गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार करो हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। गरीब कहता है धनवान सुखी, धनवान कहता है नहीं राजा सुखी, राजा कहते हैं महाराजा सुखी, महाराजा कहता है इंद्र सुखी, इंद्र कहता है ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहते हैं विष्णु सुखी। जो भजन करता है वही सुखी है,
बाकी सब दुखी है। देखा जाता है संत लोग बड़ा टुकड़ा फुकड़ा खा के रहते हैं, अच्छा नहीं पहनते हैं, सब दुनिया वाले सोचते हैं ये बड़ा दुखी है। देखो देखो कैसे करोड़ों का दौलत छोड़ के आया, भिखारी जैसा जी रहा है। एक बंगाल से एक संत आए, यहाँ भजन करते थे, और उनका भाई आया, बोले भैया ऐसा क्या खाते हो, हमारे घर में कितना संपत्ति छोड़ के आए ऐसा खाने के लिए। बोले मैं आधा घंटा का भिखारी, एक घंटा का भिखारी, 23 घंटा का बादशाह। बोले एक घंटा में टुकड़ा मांग के खाता हूँ भिखारी, 23 घंटा का मैं बादशाह हूँ। तो इस प्रकार भगवान का जो भजन करता है उनको कोई कुछ चाह नहीं, वो हमेशा सुखी ही रहते हैं, भगवान का प्रेम में रहते हैं। और सर्वेंद्रियों पर शांत, इंद्रियों का वेग को जो दमन करते हैं, भगवान में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वो लोग सुखी होते हैं। इस प्रकार बहुत बातें हैं, भगवान का भजन जो करते हैं वही सुखी है। लेकिन हमारा इतना दुर्भाग्य, इतना क्या कहा जाए कि भजन में मन नहीं लगता है, संसार का भोग ही अच्छा लगता है। जान कर भी ये विष है, ये पीने से मरना पड़ेगा, फिर भी हमारा मन वहाँ ही जाता है। गुरु वैष्णव कृपा करें, परम पूज्य बाबा महाराज कृपा करें, मन कैसे माया से हटकर राधा रानी के चरणों में लगेगा। इसी प्रार्थना के साथ आज के कथा को यहाँ विश्राम देते हैं, और कथा में कोई त्रुटि भी चुके हो तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वंशा कल्पतर विश्व कृपा सुन भयो च पत्तानम पावन। Subscribe to our YouTube channel.